एक और मैं इसी सवाल आगे रखना चाहूंगा, और इस पे शहाब और अयाज मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मार्क्स की सोच में एक अर्ली और लेट मार्क्स का एक जो एक डिवीजन रहता है, जो कि इसके बारे में अल्थुजर ने काफी लिखा है, और वो एक ऐसा डिवीजन है जो कि काफी मार्क्सिस्ट उस बात को मान के आगे चलते हैं, और वो लेकिन उस डिवीजन को आप कैसे देखते हैं, उसमें अर्ली और लेट मार्क्स में क्या फर्क आता है, कि क्या वो वही फर्क है जो अल्थुजर कह रहे हैं, या फिर आप कुछ और फर्क देखते हैं, इस पे मैं आप दोनों की राय एक चाहूंगा। बात मैं छोटी सी ऐड करना चाहूंगा जो कि इससे रिलेटेड भी है लेकिन थोड़ी सी अलग, वो ये कि हमारे यहाँ अक्सर जब, और अंग्रेजी में अक्सर मार्क्स जब ट्रांसलेट किया जाता है तो अक्सर वो मैन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक। लेकिन अगर आप अमूमी तौर पर, आम तौर पर जो मार्क्स जर्मन में लफ्ज इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है टाइल मेंशन या मेंश का लफ्ज इस्तेमाल करता है, जिसकी जो स्ट्रेट ट्रांसलेशन है वो ह्यूमन बीइंग बनती है। जो जो मेल ह्यूमन बीइंग का जो लफ्ज है जर्मन में वो मैन ही है, MANN, जिस तरह थॉमस मैन जो मशहूर क्या कहते हैं कि मॉडर्निस्ट नॉवल निगार थे। तो अमूमी तौर पर ये अक्सर गलत फहमी होती है कि क्योंकि अगेन के मार्क्स को अमूमी तौर पर वो आम तौर के जो ह्यूमनिस्ट है उनसे जाके मिला दिया जाता है कि भाई मार्क्स में जो इंसान का तस्वर है वो भी मेल है, राइट। वो भी मेल है, वो भी बुर्जुआ है, वो भी इंडिविजुअल का, वो भी एक कोहेरेंट और यूनिफाइड सब्जेक्ट का है, जिसके जो एक्चुअली मार्क्स को अगर जो लोग क्लोजली पढ़ते हैं उसमें नजर आता है कि इस तरह नहीं है। इंसान उसकी जो लफ्ज का चुनाव है वो भी बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से वो उम्मीद तौर पर करता है। जहां तक क्या कहते हैं कि लेट और अर्ली मार्क्स की बात है, ये हमने पहले भी कि इस पर डिस्कशन की थी। मार्क्स के मुझे नहीं लगता कि एक खास इस किस्म का ब्रेक है मार्क्स के थॉट में जो है, और मैं शाह सुनता हूँ, मार्क्स के थॉट में एक इर्तका नजर आता है, उसका एक चेंज ऑफ एम्फेसिस जिसको हम कहते हैं नजर आता है कि वो फिलोसफी से शुरू होकर वो हेगल की जो तारीख और जो उसके हेगल का फलसफे और हेगल की जो रियासत की जो डेफिनेशन और उसकी जो तशरीहात और उसके तसव्वुरात उनकी क्रिटिक करते हुए वो जिस तरह के हम कहने वो मजीद हिस्टोरिकली कंक्रीट होता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये वो फिलोसफी से शुरू होकर वो इंसान पर आता है, फरबाख इंसान, और फिर इंसान की अपनी तारीखी और अपनी समाजियत की तरफ जा रहा है। और फिर इसमें भी जो है वो जब वो तारीख और समाज की तरफ जाता है तो उसका जो हिस्ट्री का जो उसका तस्वुर है, जो कि हिस्टोरिसिज्म की जो डिबेट है, हिस्ट्री का जो तस्वुर है उसमें भी हमें काफी सारी तब्दीलियां नजर आती हैं ओवर द इयर्स, स्पेशली जब वो जब वो नॉन यूरोपियन समाजों को देखता है। और इस हवाले से हमने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी लेकिन इस पर मैं मजीद आऊंगा अभी, लेकिन अगर शहाब ये एवोल्यूशन वाली मार्क्स के हवाले से बात कर ले तो फिर मैं भी ऊपर से कुछ ऐड करूँ। हाँ, एक लेवल पे तो मैं खुद ज़ाती तौर पर मुतफिक हूँ कि एक तब्दीली तो आती है, और सिर्फ इस तरह से नहीं कि एक छोटे लेवल पर कोई चेंज आ जाता है, बल्कि एक काफी प्रोफाउंड सेंस से मैं कहूँगा कि चेंज आता है। जैसे कि उर्बाख के थीसिस जब वो लिखता है उसमें काफी तब्दीली आती है। वो एक अल्थुजर का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा होता कि मार्क्स ने जब फ्यूरबाख के दूसरे थीसिस में फ्यूरबाख पर दूसरे थीसिस में जब प्रैक्टिस का लफ्ज लिखा, प्रैक्टिस, तो उसने बुनियादी तौर पर जो रिवायती फलसफा था उसकी बुनियादों को हिला दिया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिवायती फलसफा तखयुल और जो हकीकत है, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो मारूजी रियलिटी है, तखयुल से मारूजी रियलिटी तक आने, ये एक बड़ा सवाल था उनके लिए कि ये इस तक कैसे आया था, और वो इस सवाल को तखयुल की दुनिया में याद करना चाहते थे। जी, मार्क्स ने बुनियादी तौर पर के सवाल को ही बिल्कुल बदल दिया कि बेसिकली आप तखयल को मारूजी दुनिया से अलग कैसे कर रहे हैं, और अगर तखयल के जरिए हम मारूजी दुनिया के बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पर जो कॉग्निशन की फैकल्टीज हैं वो खुद रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, या रियलिटी को बेसिकली एक तरह से एक सेंस में उसके अंदर जो है वो शामिल है। ये कोई तखयल जो है वो मारूजी हकीकत से बिल्कुल कोई जुदा चीज नहीं है। तो आप इसको सिर्फ तखयल की बुनियाद पर ना समझे, बल्कि तखयल कॉग्निशन के जो फैकल्टीज हैं वो खुद बुनियादी तौर पर तारीखी हैं, हिस्टोरिकल हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जब प्रैक्टिस की बात करता है वो, तो वो फलसफे के सवालों को बिल्कुल एक तरह से इंकलाबी हवाले से तब्दील कर लेता है। जैसे मैंने पहले बात की कि इम्पीरिसिज्म की, जब मैंने बात की तो इम्पीरिसिज्म में मार्क्स की खुद की जो तंकीद है वो
इंट्रोडक्शन टू ब्रूंद्रेस में जो वो बात करता है, लॉ की बात करता है और रोसो पर तनकीद करता है, इसके अलावा दूसरे लोगों पर भी तनकीद करता है, तो उसकी बुनियाद है वो मेथड के हवाले। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो मुख्तलिफ इंसानों में एक तरह से मुश्तरक चीज की तलाश में लगे रहते हैं, जस्तजू में लगे रहते हैं। उनका एब्स्ट्रैक्शन का तजरीद का ये अमल है। और इसका डाउन साइड क्या है कि आप फिर इंसानों में एक खास किस्म की एसेंस जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं और आप एक एसेंस के कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। ठीक है, वो एसेंस का कॉन्सेप्ट स्टेटिक रहता है और वो जो मेथड है वो गलत है, वो एम्पिरिसिज्म का जो है कॉन्सेप्ट है, वो एम्पिरिसिज्म का मेथड है एब्स्ट्रैक्शन का। मार्क्स जो है वो इससे ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो इस सेंस में तो काफी तब्दीली मार्क्स में आती है कि वो बुनियादी तौर पर जो रिवायती फलसफे का तस्वर है उससे बाहर निकला जाता है, वो हिस्ट्री के डोमेन में आ जाता है। ठीक है, वो चीजों को हिस्टोरिसाइज कर लेने की कोशिश करता है। और एक और बात जो मुझे पहले याद आ रही थी जो मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि एक तो ये मटेरियलिज्म की डिबेट जब आती है तो उसमें भी बड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि उसमें मार्क्स जब भी बात करते हैं तो पहली बात है कि वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की टर्मिनोलॉजी को भी उसने इस्तेमाल नहीं की, ना डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की इस्तेमाल की। वो जब बात करते हैं तो कहते हैं कि मटेरियलिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, या फिर मटेरियलिस्ट डायलेक्टिक, वो कभी भी इसको इज्म में तनकीद को तब्दील करने की कोशिश नहीं करता। तो ये बुनियादी नुकता है कि मार्क्स का मटेरियलिज्म भी है तो वो तारीखी है, वो फलसफे रिवायती फलसफे के डोमेन में बात नहीं करता कि आप मेटाफिजिक्स की दुनिया में फंसे रहे हैं और आप कहें कि रियलिटी क्या है, नहीं, वो बिल्कुल रियलिटी के तस्वर को ही चेंज कर लेता। तो ये तो जिस तरह वो अल्तुज़र के शागिर्द यतीन बालिबर ने बात की है कि बुनियादी तौर पर मार्क्स खुद फलसफे की प्रैक्टिस अमल को तब्दील कर लेता है। फिर बात है तीसरे, तो ये एक बड़े पैमाने पर तब्दीली आ रही है कि वो एम्पिरिसिज्म को भी रद्द करता है। और जैसे कि बड़ा मशहूर जुमला है कि मार्क्स लिखता है कि असल साइंटिफिक तरीकाकार जो है वो तजरीद से जो है वो गैर मरई लेवल पर जाना है या तजरियानी एब्स्ट्रैक्ट लेवल से कॉन्क्रीट लेवल पर जाना है। ठीक है, ये तस्वर जो है वो काफी तब्दील है उससे, मतलब एम्पिरिसिज्म कॉन्सेप्ट से। वो बिल्कुल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मार्क्स कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस को खुद तस्वरात के जरिए समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तस्वरात कोई अलहदा नहीं है उनसे, वो उसी का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है और उधर से आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मेरे ख्याल में तब्दीली है। लेकिन जिस तरह से अल्तुज़र उसको पेश करता है कि वो हर एक मौके पर, मतलब वो तकसीम जो करता है वो अर्ली मार्क्स की करता है कि 1840 से लेकर 1842 का मार्क्स जो कि कांटियन और क्रिस्टियन से इंस्पायर है, जिसकी लिबरल रैशनलिस्ट होता है, ठीक है, उस दौर में। फिर उसके बाद वो कहता है कि मार्क्स उसे ब्रेक करता है और वो भी एक डिबेट है कि वो कहते हैं कि वो बेसिकली जर्मनी की अपनी तारीख सीख रहा है, ठीक है, कि वो फिर फ्यूरबाखिन कॉन्सेप्ट पे जाता है और फिर वो कम्युनल लिबरल कम्युनलिस्ट बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा थीसिस फ्यूरबाख में जो है फ्यूरबाख से ब्रेक करता है। तो ये तो तब्दीलियाँ आती हैं मार्क्स में। लेकिन फिर अल्तुज़र जो है वो फिर बहुत ही एक ऐसे डिवाइड लाता है मार्क्स में जो कि मेरे ख्याल में उसकी फिक्र को समझने के लिए अहम नहीं है। तो लेकिन ये एक बहुत जो है कॉम्प्लेक्स डिबेट है, अल्तुज़र पे मेरे ख्याल में हम बाद में आएंगे उस पर समझने की कोशिश करेंगे फिलहाल अयाज अगर। लेकिन हाँ अयाज, एक सवाल जो मुझे आ रहा था जहन में, क्योंकि मटेरियलिज्म की बात हुई तो मटेरियलिज्म के साथ अक्सर बड़ा जो है वो एक वन साइडेड तस्वर जो है समझा जाता है और फिर रियलिटी और मटेरियल का जो ताल्लुक है वो भी हम एपिफेनोमेना बड़े सिंपलिस्टिक तरह में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बेस और सुपरस्ट्रक्चर की डिबेट जो है वो निकलती है कि बेस जो है वो बेसिकली वन साइडेडली या मोनोपोजली जो है उसको डिटरमिन कर रहा होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उस असल में तीन बातें हैं। एक तो जो आपने बात की वो बहुत, ये सबसे अहम बात है तमाम मार्क्स की जो हम पूरी बात करें तीन प्रोग्राम में, वो शाहब आपने जब भी बात की कि मार्क्स आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म की जो डिबेट थी उसको वो मटेरियलिस्ट है लेकिन उस सेंस में इस तरह अमूमी तौर पर समझा जाता है, वो इस पोल में जो डिबेट है, पोलैरिटी में, बाइनरी में जो डिबेट है इसको तबाह बर्बाद कर देता है। वो तबाह बर्बाद इसलिए करता है क्योंकि इन दोनों में, मटेरियलिज्म में जिधर मैटर का या सच का एक 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 मेटाफिजिकल तस्वुर है जो कि तारीख और इंसान से मावरा है, दूसरी तरफ अगर आइडियलिज्म में जो सच या तारीख का एसेंस है वो स्पिरिट है, तो वो उन दोनों को कैंसिल करता है। वो कहता है कि भाई दोनों जो है ना वो मेटाफिजिक्स में फंसे हुए हैं और सच का इंसार जो है वो अमल पर है, इंसान जो है वो सच बनाता है और सच
प्रूव करते हैं इंसान अपने नफसानी अमल में, जिसको वो नफसानियत का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, सेंसुअसनेस का, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस का, प्रैक्टिकल सेंसुअसनेस का जो लफ्ज या अस्तलाह वो इस्तेमाल करता है न्यूट्रिशन फेयरवॉक में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी आ जाती है, नहीं कि अमल भी आ जाता है, और सेंसुअसनेस में फीलिंग, तजरीद, तखयल, ख्याल, थियोराइजेशन, रैशनलिटी, वो सब आ जाती है। ठीक, तो ये जो पोल्स हैं इनको वो कैंसिल करता है सेकंड थीसिस ऑन फेयरबाख में, कि भाई सच का इन्हिसार अमल पर है, इंसान सच को अमल में प्रूफ करता है, और इसीलिए फिर वो जो आखिरी फेयरबाख का थीसिस है वो बहुत, वो ज्यादा मशहूर है, देखिए जी, ह्यूमन फिलोसोफर जब ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड द पॉइंट्स टू चेंज इट, यानी कि सच को जानने के लिए आप महज तारीख का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, तारीख को आपको बदलना पड़ता है, उसमें सच बनता है। वो तो आखिरी थीसिस ज्यादा मशहूर है, लेकिन असल में ज्यादा अहम जो है दूसरा वाला है, क्योंकि आखिरी थीसिस जो है वो दूसरे वाले से फ्लो करता है। अच्छा, अब जो है वो क्या कहते हैं कि जो तारीख तारीख जब वो इंसान को, इंसानी अमल को और सच के सच को जो है वो तारीख और समाजियत के लेवल पर ले आता है, तो फिर सवाल अगेन ये बनता है कि भाई हम समाज को और तारीख को समझते किस तरह। ठीक, अच्छा, अब जिस तरह हमने बार बार ये कहा है कि भाई मार्क्स के लिए हर शय जो है वो तारीख में है, तारीखियत के तहत और तारीख के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। अब इसमें दो पेचीदगियां हैं। ठीक, एक तो ये कि वही कि क्या तारीख की अपनी कोई लॉजिक है, कोई उसकी अपनी एक मंतिक है। ठीक, कि तारीख की कोई टीडियोलॉजी है कि वो ए टू बी टू सी टू डी जो है वो जा रही है और उसी सिम्त में जाएगी, वो एक सवाल है। दूसरा ये कि जो कि अल्थूज़र बाद में उठाता है और उससे लिंक्ड एक सवाल है कि भाई अगर अगर हर चीज हर शय तारीख में है, राइट, तो एक तो ये कि भाई साइंस का क्या ताल्लुक है, कि भाई साइंस यानी कि हाउ कैन यू पुट अप एन ऑब्जेक्टिव साइंस जो कि हमें ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स पता है, अगर हर सोच और तखय्युल और तजरीद का इनसार ही तारीख पर है। इस पर हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि भाई साइंस का जो तस्वुर है वो अमूमी तौर पर जो साइंस का तस्वुर है वो गलत है। साइंस भी एक लेवल पर तारीखी अमल ही, तारीखी अमल और तारीखी पैदावार ही का जरिया होती है, और साइंस भी कोई अटल और तारीख से मावरा हकीकत हकीकतें हमें नहीं बताती, तारीखी हकीकतों को, तारीखी पैटर्न को हमें बताती है, नंबर वन। और ये मजीद क्लियर होगा जब हम अल्थूज़र और ग्राम्शी की डिबेट्स पर आएंगे। दूसरा इसमें जो जो बारीकी है वो ये कि भाई अगर हर शय, हर अमल, हर प्रोसेस तारीख में है, तो किसी भी समाज के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है। इसकी सादा सी मैं बात बताऊं कि भाई इकोनॉमिक लेवल का, इकोनॉमिक प्रोसेसेस का, आइडियोलॉजिकल प्रोसेसेस का और सियासी प्रोसेस का, मिसाल के तौर पर इनका आपस में क्या रिश्ता है। ठीक, और ये जो है वो बहुत अहम बात है, क्योंकि भाई एक तरफ हम एक तसव्वुर ये हो सकता है कि भाई क्योंकि चीजें तारीख में हैं इसलिए चीजें जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस में चलती हैं, राइट, जो कि मार्क्स, जो कि मार्क्सिज्म में जिसको मशहूर जो है ना जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है बेस सुपरस्ट्रक्चर डिबेट या स्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चर डिबेट, कि भाई एक इकोनॉमी तब्दील होती है उसकी बुनियाद पर जो है वो सियासत तब्दील होती है, और इसी तरह इकोनॉमी की बुनियाद पर जो है वो आइडियोलॉजिकल और कल्चरल तब्दीली आती है। ठीक, अगर हिस्टोरिसिज्म का एक क्रूड तरीका लिया जाए, भाई क्रूड तरीके से हिस्टोरिसिज्म को समझा जाए, तारीखियत के जो तसव्वुर है उसको क्रूड तरीके से समझा जाए कि भाई तारीख महज एक डायरेक्शन में चलती है और हर चीज जो है तारीख के जो मुख्तलिफ अवामिल हैं, किसी भी समाज के मुख्तलिफ अवामिल, वो तारीख में एक लॉक स्टेप में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो उससे ये फिर क्रूड नजरिया निकलता है कि भाई एक डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है कि भाई इकोनॉमिक यानी कि जिधर जीडीपी के दो पॉइंट बढ़े उतने उधर ही जो है वो ना वो आइडियोलॉजी में भी तब्दीली आ जाएगी और कल्चर में भी तब्दीली आ जाएगी एंड सो ऑन। जबकि मार्क्स में जब हम देखते हैं तो इस तरह नहीं है। मार्क्स हमेशा जो है जब भी वो नजरियात और तसव्वुरात और सियासियात कल्चर का जब भी वो एनालिसिस कर रहा है अपने मुख्तलिफ अपनी मुख्तलिफ तसनीफात में, तो वो उनको अपने वसी तर समाजी और तारीखी पस मंजर में देख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मार्क्स में ये कहीं भी नहीं है, जो कि बाद में मैकेनिकी मार्क्सिस्टों ने इसको इस तरह बना दिया कि भाई इकोनॉमिक या मटेरियल, जिसको उन्होंने मटेरियल को इकोनॉमिक में पहले रिड्यूस कर दिया, इकोनॉमिक मटेरियल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चरल में वन टू वन या डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है, राइट। इनमें हमेशा मार्क्स जो जो एक्चुअली अगर आप उसके मेथोडोलॉजिकल नोट्स जाके देखें ग्रुंडरीसा में, तो जो वो इस्तेलाह इस्तेमाल करता है वो कहते हैं कि इन तमाम स्फीयर्स और लेवल्स के दरमियान अनइवन डेवलपमेंट है, यानी कि ना हमवारी का जो अंसर है वो हायल होता है, वो हावी रहता है।
कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक जो इंसानी समाज और इंसानी जिंदगी की जो मुख्तलिफ स्फीयर्स हैं, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सो ऑन सो फोर्थ, पॉलिटिकल, इनमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती. इनका आपस में एक कलीदी रिश्ता होता है, राइट, जिसको मार्क्स बार बार कह रहे हैं कि इस ऑर्गेनिक रिलेशन को समझना है. लेकिन इसको एक डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस में जो है वो रिड्यूस कर देना, इसको हम हेगेलियन या डायलेक्टिकल जबान में, जिद्दियाती जबान में इसको हम इमीजिएट यूनिटी कहेंगे, वो बिल्कुल गलत है. क्योंकि मार्क्स का अगर आप एनालिसिस देखें, सियासियत का एनालिसिस देख लें आप, उसका आइडियोलॉजिकल चेंज का एनालिसिस देख लें उसका, मिसाल के तौर पर 18 ब्रूमर और लुई बोनापार्ट में, या उसका ये ग्रुंडरीसा के जो इंट्रोडक्शन का यहाँ पर मेरे ख्याल में प्रियांश से पहले जिक्र किया था, उधर उसका बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है कि जिधर वो ग्रीक आर्ट की बात कर रहा है कि ग्रीक आर्ट की यूरोपियन समाज में परसिस्टेंस, और उसका भाई अगर वो एक मखसूस तारीखी दौर में और उस मखसूस तारीखी दौर के हवाले से बनाई गई थी, तो वो आज भी इंसानों को क्यों पसंद आती है या आज भी लोगों को क्यों पसंद आती है, उसकी अपील क्या है. इसी तरह वो जो सोशल रिलेशंस हैं ऑफ प्रोडक्शन के, पैदावार के जो रिश्ते हैं और जो लीगल रिश्ते हैं, जो उसकी जो एक लीगल जो उसका इजहार है, उसका जो कानूनी स्ट्रक्चर्स में जो इजहार है, जो जो कि रोमन लॉ में है, उसके बारे में भी वो बात करता है कि भाई रोमन लॉ तो रोमन जमाने का है, तो हाउ डज इट हैपन दैट इट परसिस्ट्स टुडे इन दिस सो कॉल्ड मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो एक बहुत पेचीदा समाज है, कैपिटलिस्ट समाज. और उधर वो मार्क्स कहते हैं कि भाई इन 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 मुख्तलिफ स्फीयर्स के दरमियान रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता डायरेक्ट नहीं है, ये रिश्ता वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का नहीं है, ये रिश्ता यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इनके अंदर ना हमवारी है, इसके अंदर फीडबैक भी होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो कहने का मतलब ये कि जो एक मैकेनिकी तस्वुर है, जो हिस्टोरिसिज्म से हमें, जो एक मैकेनिकी तौर की हिस्टोरिसिज्म है कि भाई तारीख की एक मुख्तलिफ सिम्त है और चीजें हमेशा इसी सिम्त में बढ़ती हैं कि जी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ए टू बी टू सी टू डी, मार्क्स उसको तोड़ रहा है. मार्क्स कहते हैं कि एक्चुअली हमें तारीखियत को भी समझना है और किसी भी समाज के मखसूस ढांचे को, मखसूस साख्त को, उसके मखसूस स्ट्रक्चर को भी समझना है, क्योंकि किसी भी समाज की मखसूस स्ट्रक्चर में, मखसूस वक्त में जो मुख्तलिफ उसके लेवल्स हैं, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, उनको हम महज इस बात से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इनका रिश्ता क्या होगा, कि भाई वो तारीख में क्या थे. हमें मखसूस सिचुएशंस का, मखसूस वक्त का, मखसूस समाज का मखसूस एनालिसिस, यानी कि ठोस कंजंक्चर का, ठोस सिचुएशन का, ठोस हालात का ठोस तज्जिया करना होगा, जिसको बाद में लेनिन ने कंक्रीट एनालिसिस ऑफ कंक्रीट कंजंक्चर कहा, राइट. तो कहने का मतलब ये कि अगेन कि एक तो मुख्तलिफ लेवल्स में ना हमवारी होती है, ठीक, और इस ना हमवारी को सॉल्व क्या करता है. एक लेवल पे अगर ना हमवारी है, कल्चरल स्फीयर जिस तरह डेवलप हो रहा है, आइडियोलॉजिकल, पोलिटिकल, इकोनॉमिक, इनको एक लेवल पे किसी भी समाज में एंकर क्या करता है, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज देयर व्हिच यू नो मेक्स दीस डिफरेंट लेवल्स हारमोनियस विद ईच अदर, यानी कि ये जो मुख्तलिफ टेम्पोज और रिदम्स और मुख्तलिफ वक्त के जिहत के साथ ये जो मुख्तलिफ समाज के लेवल्स इनका इर्तका हो रहा होता है, इनको एक समाज में इनको एक लेवल पे एंकर क्या चीज करती है, वो मार्क्स के लिए पॉलिटिकल प्रैक्टिस है. और इसकी यानी कि बड़ी सादा सी बात है, आप मिसाल 18 ब्रूमेर की बात की गई थी, वो वहां पर बात करता है कि भाई पेजेंट्री में, मिसाल के तौर पर पेजेंट्री की जो एक नजरियाती और तसव्वुराती साख्त है उसके अंदर तजाद है, राइट. वो कहता है कि जो फ्रेंच पेजेंट्री की वो बात कर रहा है उस वक्त, बोनापार्टिस डिक्टेटरशिप के तनाजुर में, वो कहता है कि भाई फ्रेंच पेजेंट्री के अंदर मुख्तलिफ और मुतजाद जो है ना वो रुझानात हैं. एक वो भी रुझान है जो उसको सेल्फिश बनाता है, एक वो रुझान है जो उसको इनकलाबी बनाता है, एक वो रुझान है जो उसको अपने आप के अंदर मुतमईन बनाता है, एक वो रुझान और खौफजदा बनाता है कि भाई मेरा मेरे नेबर के साथ, मेरा मेरे पड़ोसी के साथ, मेरा दूसरे जो मजारे हैं, दूसरे जो मेहनत काश है उनके साथ एक कॉम्पिटिशन है. लेकिन एक वो भी उसके अंदर जहत है जो उनको उनके साथ जोड़ता है. एक मार्क्स कहता है, एक है पेजेंट्री की प्रेजेडिस, एक है उसका फ्यूचर, एक है उसका तासुब, एक है उसका उसका मुस्तकबिल. और कहता है कि इन दोनों के दरमियान मीडिएशन कौन करता है, बोनापार्टिज्म ने क्या किया, बोनापार्टिज्म ने पेजेंट्री की, उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है उस सियाक सबाक में, बोनापार्टिज्म ने पेजेंट्री के प्रेजेडिस पे काम किया, उसने पेजेंट्री की उस अंसर को हाईलाइट किया
जो उसका प्रेजिडिस है, जो उसको लोगों से अलग करता है, लोगों से बेगाना करता है, ना कि लोगों से जोड़ना, राइट। वो उसके बोनापार्टिज्म जो है वो एक लेवल पर उसकी उसकी माजी का उसके उसके हाल में इजहार है, ना कि उसके उसके मुस्तकबिल का उसके हाल में इजहार हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक लेवल पे इनका, जैसे कि मैंने कहा कि समाजी सियासी सकाफती नजरियाती लेवल्स का आपस में एक कलीदी रिश्ता है, लेकिन ये कलीदी रिश्ता वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का नहीं है। इसके अंदर तजाद है, इसके अंदर ना हमवारी होती है, और ये ना हमवारी और तजाद ही वो पॉइंट होता है जिधर पॉलिटिकल प्रैक्टिस इंटरवेंट करती है, जिधर इंसानी अमल अपनी तारीखियत और अपने समाज के सियाक व सबाक में, अपनी तारीखी और सियासी सियाक व सबाक में इंटरवेंट करता है, जिसकी वजह से मार्क्स एक ह्यूमनिस्ट भी है, लेकिन एक बहुत मखसूस किस्म का ह्यूमनिस्ट है, राइट। यानी कि वो इंसान के तारीख में, सियासत में, समाज में अमल पर हमेशा यकीन रखता है, वो इंसान की तख्लीकी सलाहियत में यकीन रखता है, लेकिन उस तारीखी पस मंजर के अंदर, उस तारीखी सियाक व सबाक के अंदर, उस तजाद के अंदर जो है ना इंसान जो है इंटरवेन करता है, क्योंकि वो उस तजाद का खुद हिस्सा होता है। इंसान का खुद कोई जौहर नहीं था, इंसान खुद एक मुतजाद शय है, उसका सब्जेक्ट जो है वो कोई यूनिफाइड सब्जेक्ट नहीं, वो एक मुतजाद और मुतजाद सब्जेक्ट है, यानी कि एंसेंबल सोशल रिलेशंस, यानी कि समाजी रिश्तों का एक एक पेचीदा मजमुआ है। इसीलिए जो मशहूर लाइन है मार्क्स की 18 ब्रूमेर में, जिसको बहुत लोग कोट करते हैं, कि जी मैन मेक देयर ओन हिस्ट्री बट दे डू नॉट मेक इट जस्ट एज दे प्लीज, राइट, दे डू नॉट मेक इट अंडर सेल्फ सिलेक्टेड सर्कमस्टांसेस बट अंडर सर्कमस्टांसेस गिवन ऑलरेडी गिवन एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पास्ट, द ट्रेडिशंस ऑफ ऑल डेड जनरेशंस वे लाइक अ नाइटमेयर ऑन द ब्रेन्स ऑफ द लिविंग। उर्दू में अगर सादा सी मैं बात करूं तो वही कहते हैं कि इंसान अपनी तारीख खुद बनाते हैं, लेकिन उन उन हालात में नहीं बनाते जो उनके अपने बनाए हुए हों। इंसान उन हालात में तारीख बनाते हैं जो उनको तारीख से रिसीव्ड होते हैं, तारीख से पहले से मिले, एक तारीखी मखसूस सियाक व सबाक में बनाते हैं। यानी कि मुर्दा जनरेशन की अपने आबा व अजदाद की तमाम जो फरसूदा नजरियात या सिर्फ महज फरसूदा नहीं, या पुरानी रिवायात जो हैं, वो इंसान जब अमल कर रहे होते हैं उनके उनके तसव्वुरात पर, उनके अमल पर, उनके ख्यालात पर हावी होते हैं, ठीक। तो अगेन मार्क्स इज अ ह्यूमनिस्ट, लेकिन इन ऑफ अ वेरी डिफरेंट सेंस कंपेयर टू जो एक कॉलोनियल या लिबरल किस्म की ह्यूमनिज्म थी, जिसने इंसान का एक जौहर बना दिया और एक तारीख से मावरा माबादल तबीयत, यानी कि मेटाफिजिकल उसकी एसेंस बना दी, और जिसके अंदर फिर उन्होंने हर किस्म की यूरोपियन और कॉलोनियल और इस तरह की जहतें जो है उसको फिल किया गया। तीसरी बात शहाब, इसमें तुम ऐड कर दो एक छोटी सी एक और बात हिस्टोरिसिज्म के हवाले से मैं ऐड करूंगा, जो कि टेलियोलॉजी वाली बात है, लेकिन वो मेरे ख्याल में हम एंड में कर देंगे ऐड। तुम अब कुछ ऐड कर लो, तुम अगर कुछ कहना चाहते हो। अभी सुन रहा था जो तुम कह रहे थे, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग ज्यादा शायद आप एग्री करेंगे कि आप जो प्रेजेंट्री की बात की, तो ओके उसमें मुख्तलिफ तरह के शऊर जो है वो एक्सिस्ट करते, तो मुझे वो ग्रामशी कॉमन सेंस के साथ हम हमें बात करेंगे, तो मुझे उस तरह सा लगा कि इंसान का जो कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस का उसका तस्वुर है वो अंग्रेजी कॉमन सेंस का नहीं है, वो एक अलग है, जो कि इंसान की अमूमी जो नजरियात होते हैं, ख्यालात होते हैं, जिनके तहत वो दुनिया को समझता और नेविगेट करता है, वो ग्रामशी कहता है कि उसमें तजाद होता है, वो एक चीज नहीं होती। ग्रामशी उसमें कहता है उसमें स्टोन एज एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी कि उसमें जमाना कदीम के अनासर भी होते हैं, और उसमें वो अनासर भी होते हैं जो उसको एक मुस्तकबिल की इंट्यूशन दे रहे होते हैं, उसमें फ्यूचर की तरफ, यानी कि मुस्तकबिल की तरफ एक जहत होती है। वो कहता है कि एक तरफ इसमें वो अमल होते हैं जो इंसान को दूसरे से अलग करते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लैंग्वेज जबान इस्तेमाल करता है जो मार्क्स 18 ब्रूमेर में इस्तेमाल कर रहा है, और वो अनासर भी होते हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ते हैं, जो इंसान को अपने अमल में इंसान से जोड़ते हैं, ठीक, लेबर के जरिए और पैदावारी अमल के जरिए। और ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी कॉमन सेंस है, जो एक मुतजाद कॉमन सेंस है, जो मुतजाद अमूमी ख्यालात और तसव्वुरात हैं इंसान के और इंसानी सब्जेक्ट के, यही वो टेरेन है जिधर जो है इंसानी पोलिटिकल प्रैक्टिस, यानी कि सियासी प्रैक्टिस जो है वो इंटरवेन करती है। देखा, मैं प्रियांश कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। एक एक कमेंट फिर मैं करूंगा, फिर प्रियांश की तरफ मैं आ रहा हूं। एक तो आपने ह्यूमनिज्म की बात की, आपने अच्छा किया कि आपने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि मार्क्स किन मानों में ह्यूमनिस्ट है। एक मैं शायद कमेंट करूंगा, आप उसे फिर कमेंट कर ले, फिर प्रियांश आप उस पे जो भी ऐड करना चाहते हैं।
एक तो ह्यूमनिज्म की, वो मैन की जब बात करता है जिस पर तनकीद होती है अक्सर अल्थुसर की, तो वो मैन को एक तरह से आइसोलेटेड सेंस में ले रहा है, और मार्क्स कह रहा है कि बुनियादी तौर पर हमें थोड़ा सा और एब्स्ट्रैक्शन से सही तरह से करनी होगी, और मैन को सिर्फ आइसोलेटेड के तौर पर नहीं समझना बल्कि उनको ये समझना है कि मैन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्लासेस के तौर पर जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसको कभी एक इंडिविजुअल के तौर पर शायद नहीं समझना। और जैसे कि वो बात होती है कि हेगल के लिए सोशल स्पेस एक जैसी है जो कविराज करते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो उसको तकसीम कर लेता है कि वो फ्रेगमेंटेड स्पेस है। तो शायद ह्यूमनिज्म से इस सेंस भी डिफरेंट है, हम कह सकते हैं मार्क्स के बुनियादी तौर पर मार्क्स मैन नहीं ले रहा बल्कि वो फिर क्लासेस में उसको डिवाइड कर रहा है और उस स्ट्रक्चर उस स्पेस को तकसीम कर रहा है कि स्पेस जो है वो बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है। उसको मैं अगर मैं सादा जबान में समझाऊं वो ये कि अगर हेगल में तारीख का तस्वुर ये है कि तारीख आइडिया यानी कि रूह मतलब और एब्सोल्यूट आइडिया एब्सोल्यूट स्पिरिट का इजहार है, ठीक, एब्सोल्यूट स्पिरिट की अपनी बेगानगियत का और अपनी इर्तका का इजहार है, तो एक लेवल पर जिधर एब्सोल्यूट स्पिरिट में जो है एब्सोल्यूट स्पिरिट अपनी बेगानगियत और तजाद के जरिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगेन जो जौहर है वो एक सिंगुलर एब्सोल्यूट स्पिरिट का है, यानी कि एक एक जो उसकी जो जो रूह मुतलक का जो तस्वुर है वो एक लेवल पर वहदानियत का है, वो सिंगुलर ही है, ठीक, और जो के फिर उल्टा फेरबाग करता है कि भाई उसके बजाय उसके लिए जो वहदानियत है जो बेसिस है जो एसेंस है जो मेटाफिजिक्स है वो स्पिरिट की नहीं है, वो इंसान की अपनी मेटाफिजिक्स और एसेंस की है जो कि तारीख से माप रहा है अगेन, लेकिन उनका फेरबाग में भी इंसान एक वाहिद है, एक यूनिफाइड सब्जेक्ट है। मार्क्स इंसान को तो ला रहा है लेकिन वो इंसान की वहदानियत को तोड़ रहा है, वो कहता है इंसान अपने जौहर में अपनी वहदानियत में अपने फर्द के इंडिविजुअल के तौर पर नहीं होता, उसका जो जब वो इंडिविजुअल भी होता है तो वो समाज के जरिए ही होता है, राइट। तो जिधर एक लेवल पे हेगल का जो तस्वुर तारीख है वो उसमें तजाद उसमें इर्तका उसमें बेगानगियत सब कुछ है, लेकिन बुनियाद में उसके अंदर एक मेटाफिजिक्स है एक एसेंस है और एक वहदानियत है, ठीक, एक सिंगुलैरिटी है जो कि एब्सोल्यूट आइडिया। मार्क्स कहता है कि तारीख में इर्तका भी है, तारीख तब्दील भी होती है और ये हमें नजर आता है, तारीख की तब्दील होने में इंसानों का अपना एक अमल है इंसानों का अपना एक किरदार है, लेकिन इंसान अपनी मेटाफिजिकल एसेंस में नहीं, इंसान अपने समाजी रिश्तों के जरिए, राइट, और वो समाजी रिश्ते क्या है, वो क्लास के हैं, वो पैदावारी निजाम के हैं, वो जेंडर के भी हैं, वो यू नो एंड सो ऑन सो फॉर। तो कहने का मतलब ये है कि इनके मार्क्स के अंदर भी तारीख के इर्तका तारीख में बेगानगियत का तस्वुर है, लेकिन वो एक लेवल पे तारीख की मेटाफिजिक्स उसकी एसेंस उसके जौहर को तोड़कर तारीख के अंदर फ्रैक्चर ले आता है, कि तारीख इंसान बनाते हैं और इंसान फ्रैक्चर्ड है, इंसान मुतजाद है, इंसान मुतजाद और फ्रैक्चर्ड क्यों है, इंसानों में यकसुईयत क्यों नहीं है, इंसान क्योंकि इंसान जो है वो अपने समाजी अमल और समाजी अवामिल का एक मजमुआ है, एक एक पेचीदा मजमुआ जिसको वो कॉम्प्लेक्स एंसेंबल कहता है। तो मार्क्स कहता है कि ह्यूमैनिटी इज नो डम्ब जीनस एसेंस, द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज नो डम्ब जीनस, इट इज द वेरी एंसेंबल ऑफ सोशल रिलेशंस। तो जैसे कि मैंने कहा कि आइडियलिज्म मटेरियलिज्म की जो पोलैरिटी है जो बाइनरी उसको तोड़कर जो है ना वो मार्क्स बार बार इस बात पर आ रहा है कि भाई ह्यूमनिज्म तो है लेकिन ह्यूमन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा तारीख और समाज और तजाद और उसमें पेचीदगी और उसमें डाइवर्सिटी यानी कि मुतनव जहतों के हवाले से वो बात कर रहे हैं, ना कि एक तारीख से मावरा किसी जौहर मेटाफिजिकल एसेंस की बात कर रहे हैं। देखा मैं प्रियांश कुछ ऐड करना चाह रहे हैं और फिर मैं एंड पर एंड में जो है वैसे वो तारीख की डायरेक्शन वाली बात पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा फिर खान में हम रह पाते हैं। मैं बस एक यही अयाज अभी आप जो बात कर रहे थे कि ये रेस और क्लास और जेंडर और इस पे थोड़ा एक मैं कुछ कहना चाहूंगा ये कि जो जो मार्क्स का जो जो मेथड जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था जिसके जिसको अभी आपने काफी अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया और ये एक उसमें एक, एक बहुत अहम बात जो उठकर ये आती है कि बात आती है मीडिएशन की जो फ्रेडरिक जेम्सन जो कहते हैं कि भाई मीडिएशन जो मीडिएशन बाकी जो मार्क्स के बाद जो स्पेशली 20th सेंचुरी के जो मार्क्सिस्ट है उनके लिए एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो और
अभी एक आजकल काफी पॉपुलर आइडिया है इंटरसेक्शनलिटी का, और उसमें रेस क्लास और जेंडर के का ये माना जाता है कि वो रेस क्लास और जेंडर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, तभी हम उन लोगों को समझ तभी हम उनको समझ सकते हैं। लेकिन मार्क्स जो है वो उससे भी एक आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शनलिटी के हिसाब से जो इंटरसेक्शन के बाद क्या होता है उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, उसकी समझ जो है वो उतनी साफ नहीं है कि रेस का क्या मतलब रहा। अगर रेस और जेंडर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेस क्या है और फिर जेंडर क्या है। लेकिन जो ये जो आपने जो एंसेंबल ऑफ रिलेशंस की बात की, और एक मार्क्स एक और जो फ्रेज यूज करते हैं डिफरेंशिएटेड यूनिटी की, तो डिफरेंशिएटेड यूनिटी जो फ्रेज है वो ये हमको समझाता है कि जैसे जो एक इमीडिएट पहले एक इमीडिएट यूनिटी है कि और वो इमीडिएट को हम असल में अंग्रेजी में हम उसको समझते हैं कि जो एकदम अभी हुआ, लेकिन इमीडिएट का वहां पर जो मतलब एक अलग है। इमीडिएट का को आप उसको मीडियसी से आप उसको आप उसको एंटोनिम समझे तो आप उसका उसकी बात समझ पाएंगे कि वो कि उसका अभी कोई मीडिएटिंग वो टर्म नहीं। तो लेकिन और दूसरे लेवल पे मार्क्सियन मेथड में ये मीडिएशन का सवाल उठ के आता है, और मीडिएशन के ऊपर हम भी बातें करेंगे अगले हफ्ते जब हम रोजा लक्जमबर्ग पर आएंगे तो मीडिएशन का सवाल जरूर उठ कर आएगा। लेकिन वो और जो मीडिएशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि म्यूचुअल डिपेंडेंस तो है, लेकिन सिर्फ म्यूचुअल डिपेंडेंस तक बात नहीं है, बात ये भी है कि फिर वो एक दूसरे को कैसे रिक्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रिक्रिएट करते हुए भी वो अलग है, वो एक दूसरे से मिल नहीं गए हैं कि आप रेस और जेंडर में फिर आप फर्क नहीं कर पा रहे। इंटरसेक्शनैलिटी कहता है वो इस तरीके से बात रेस और जेंडर के बारे में इंटरसेक्शनैलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो उसमें यही कमी है कि वो रेस और जेंडर जो मार्क्स के जो मेथड में जो थर्ड लेवल की जो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएटेड यूनिटी की वो उसमें मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत जरूरी है बात समझने की कि जब हम इमीडिएट यूनिटी की बात करते हैं वो ये नहीं है कि जो अभी आकर एकदम मिल गया है, उसका मतलब ये है कि उसमें मीडिएटिंग यूनिट नहीं है और उसको उस तरीके से उसको थोड़ा लिटरली समझने की जरूरत है अगर हम उसको उसको समझना चाहते हैं तो। और फिर सेकंड लेवल पे हम मीडिएशन की बात करते हैं और फिर एक डिफरेंशिएटेड यूनिटी पर आते हैं। और मेरे ख्याल से मीडिएशन पर हम जैसे मैंने कहा कि काफी डिस्कशन होगा और अगले हफ्ते भी हम इस पे बात जारी रखेंगे, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड यूनिटी का कॉन्सेप्ट हमको आगे लेकर चलने में काफी उसमें मदद मिलती है, क्योंकि उससे हम ये भी समझ पाते हैं कि रेस का क्या मतलब है या जेंडर का क्या मतलब है, उनका जो अपने जो लॉजिक्स हैं वो बिल्कुल गायब नहीं हो जाते हैं, जो कि एक तरीके से जो आप क्या कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर ये जो तकनीकी जो मार्क्सिस्ट है उन पर एक ये चार्ज लगाया जाता है कि वो रेस और क्लास और जेंडर की बात नहीं करते हैं। लेकिन मार्क्स के जो डायलेक्टिकल जो मेथड है वो जैसा कि शाहब ने एकदम सही कहा कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वो फ्रेज वो यूज नहीं करते हैं लेकिन एक वो डायलेक्टिकल मेथड की बात जरूर करते हैं, तो वो उसमें ये बात जरूर उभर कर आती है कि हमको और मेरे ख्याल से जो आपने आर्ट का एग्जांपल दिया है या फिर जो पॉपुलेशन का भी एग्जांपल आता है जो जो ग्रंडरिजा में जब वो पॉपुलेशन की बात करते हैं मार्क्स तो भी एक बात उठ के आती है कि पॉपुलेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन को तोड़ने की जरूरत है, अगर जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तो हम उसका जो डिफरेंट जो उसके मेंबर्स हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर उसको हम नहीं समझ पाएंगे। और उन मेंबर्स की एक डिफरेंशिएटेड यूनिटी है और वो हर एक मेंबर जो जैसे कि अगर रेस क्लास जेंडर जिसकी हम बात कर सकते हैं तो वो सब मिलकर एक ऑर्गेनिक टोटलिटी तो है, ऑर्गेनिक टोटलिटी उनको सब और वो उसको इन्फ्लुएंस और इन्फॉर्म कर रही है, लेकिन उसके अपने लॉजिक को भी समझ जरूरी है और उसमें तारीखियत की बात जरूर उठ कर आती है। जी बस मुख्तसरन ये मीडिएशन वाली बात बहुत अहम है जो प्रियांश ने जिस तरह इशारा किया, और ऑफ कोर्स ये मार्क्सिस्ट थ्योरी में और जनरल सोशल थ्योरी में जिस तरह इसने प्रियांश ने जिस तरह अंदेशा दिया बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसमें मीडिएशन मार्क्सिस्ट थ्योरी में हमेशा ये सवाल रहा है कि भाई मुख्तलिफ जिस तरह के मुख्तलिफ लेवल्स के दरमियान मुख्तलिफ जो समाजी स्फीयर्स हैं इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी कल्चर इनके दरमियान क्या रिश्ता रहा है, और ये बुनियादी तौर पर एक मीडिएशन का सवाल है कि आपस में इनके दरमियान रिश्ता क्या है, कि ये आपस में इनकी आपस इनकी आपसी जुड़त क्या है। इसी तरह सोशल थ्योरी में जनरली और फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी में भी जो मुख्तलिफ जो समाजी जो डिविजन हैं हमें क्लीवेजेस नजर आते हैं समाज में क्लास के तहत जेंडर जो सिनफी तफरीक है
نسلی تفریق جس طرح پیدا ہوتی ہے, لسانی تفریق جس طرح پیدا ہوتی ہے, ان کے درمیان کا جو آپس میں جو رشتہ ہے یہ بھی بلند طور پر ایک میڈیشن کا سوال ہے. اور تمام مارکسسٹ تھیوری کی جو ڈیبیٹ جو ہم بعد میں جا کے مزید اب اگلے سب پروگراموں میں جن پر روشنی ڈالیں گے, وہ بنیادی طور پر ایک ان کی جو کنجی ہے, ایک جو کی ہے وہ یہ کہ بھائی میڈیشن کس طرح ہوتی ہے مختلف سفیئرز میں, مختلف رشتوں میں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اچھا, ہسٹوریسزم والی بات جو میں مختصراً اینڈ میں بس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو ہسٹوریسزم والی بات ہم نے کر لی کہ جی تاریخیت تاریخ میں ہوتا ہے انسان اور اس کا ہیومنزم سے کیا تعلق, اینڈ سو آن. جو ایک اور جو کروڈ ہسٹوریسزم والی بات جو شروع میں کی تھی کہ بھائی ایک ہسٹوریسزم کا مطلب جس کے ساتھ ہمیشہ مارکسزم کو پینٹ اور پینٹ کیا گیا ہے کہ بھائی مارکس میں جو ہے اور مارکسزم میں ایک ایسا تاریخ کا تصور ہے جو کہ بالکل ایک آئرن کلیڈ ہے, یعنی کہ ایک مخصوص سمت کا تصور ہے اور ایک ٹیلیولوجی جس کو کہتے ہیں کہ بھائی اے ٹو بی جائے گا, اس بی ٹو سی جائے گا, ڈی ٹو سی ٹو ڈی اور ڈی ٹو ای, یعنی کہ جو ایک بناتے ہیں جو میکینکی مارکسسٹوں نے بھی بنایا کہ جی سلیو سوسائٹی, اینشنٹ سوسائٹی, سلیو سوسائٹی تھی اور پھر فیوڈل سوسائٹی آئی, پھر کیپٹلزم آئی اور پھر سوشلزم آئی. کیا مارکس میں ہمیں تصور ملتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا مارکس میں یہ تصور ایک لیول پہ جرمن آئیڈیالوجی میں وہ رکھتا ہے اس طرح کی ایک سیکوینس کا سماجوں کی اور مختلف پیداواری نظاموں کی, لیکن جس طرح کے پہلے بھی بات کی کہ وہ اس سیکوینس کو بھی کمپلیکیٹ کرتا ہے کہ جب وہ نان یورپین سماجوں میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن ہے, ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن بھی ایک ہوتا ہے. تو جس طرح اس پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بھائی ایک لیول پہ وہ سیکوینس کو توڑتا ہے, ہو سکتا ہے اس کا ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن کی جو کریکٹرائزیشن ہے وہ غلط ہو, لیکن وہ سیکوینس کو توڑ رہا ہے, وہ اے بی سی ڈی ای کے جو ایک ون ٹو تھری فور کر کے جو تاریخ کو آگے بڑھانے کا طریقہ, جس کو کروڈ ہسٹوریسزم کہا جاتا ہے یا لینئر ہسٹوریسزم کہا جاتا ہے, یکسمتی تاریخیت کہا جاتا ہے, اس کو وہ توڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مارکس جو ہے وہ اپنی جو زندگی کے آخری سال ہیں ان میں جس طرح کے پہلے بھی باتیں تھی نان یورپین سماجوں کو دیکھ رہا ہے, جو پرانے سماج ہیں فیوڈلزم کے زمانے اور اس سے پہلے کے ان کو دیکھ رہا ہے, اینشنٹ کمیونل سماجوں کو دیکھ رہا ہے, جو انڈیجنس سوسائٹیز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے, اور رشیا میں جو میر کا سسٹم ہے جس کو وہاں کا جو انڈیجنس کمیونل سسٹم تھا دیہی پیداوار کا, یعنی کہ ایگریکلچرل پروڈکشن, اس کو دیکھ رہا ہے. اور مارکس کی کورسپونڈنس ہے رشین جو اس زمانے کے جو نئے جو سوشلسٹ ابھر رہے تھے اور جو انقلابی تھے ان کے ساتھ, جدھر وہ کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے ماڈل بتایا ہے سرمایہ داری کے ارتقاء کا کیپٹل میں, وہ بہت مخصوص قسم کا ویسٹرن یورپ اور خاص طور پہ انگلینڈ کے حوالے سے, ضروری نہیں ہے کہ رشیا میں بھی جو ہے وہ سوشلزم لانے کے لیے پہلے آپ کو فیوڈلزم سے کیپٹلزم میں جانا پڑے اور وہ تمام جو خرافات اور خون خرابہ جو فیوڈلزم سے کیپٹلزم میں جانے میں ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی جا کر آپ سوشلزم کی طرف جا سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ, وہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکچولی ان مخصوص سماجی عوامل کو, ان مخصوص پیداواری نظاموں کو دیکھنا ہوگا جو رشیا میں یا انڈیجنس سماجوں میں یا نان ویسٹرن یا نان یورپین سماجوں میں ہیں, جن کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ہم تاریخ کی یہ سٹیجز کی جو ایک تصور ہے اس سے ہم آگے بڑھ سکیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی سٹیجز کو فالو کریں. اسی لیے بعد میں جو ہے وہ تھیوڈور شینن کی ایک مشہور کتاب ہے مارکس اینڈ رشین روڈ, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک لینن نے کہا تھا کہ جو شہاب نے شروع میں ذکر کیا کہ مارکسزم جو ہے وہ تین انٹلیکچوئل جینیالوجیز کا مجموعہ ہے, فرینچ جرمن آئیڈیالزم یعنی کہ جرمن فلسفہ, فرینچ پالیٹکس اور برٹش پولیٹیکل اکانومی, انگلش پولیٹیکل اکانومی. تو جدھر مارکس تاریخ کی ٹیلیولوجی کو توڑتا ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے ہر سماج کو اس ہی سیکوینس سے گزرنا ہو, ادھر جو رشیا والی جو بات کرتا ہے تو وہ ٹیوڈر شینن کہتا ہے کہ ایکچولی مارکسزم کے چار کمپوننٹس ہیں, اور وہ چوتھا کمپوننٹ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے رشین پاپولزم, اور وہ ایک فسیشس نہیں ہو رہا, وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہا ہے کہ ایکچولی رشین پاپولزم کو اس میں شامل کر کر ٹیوڈر شینن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مارکس جو ہے وہ اس ٹیلیولوجی کو توڑ آئے, مارکس کے اندر اس طرح کی کروڈ ہسٹوریسزم نہیں ہے جو کہ عام طور پر مارکسسٹوں کے ناقدین نے اور مارکس کے ناقدین نے اس پر ڈال دی ہے. اور یہ کہ جو
जो मैकेनिकी मार्क्सिस्टों ने भी जो है ना एक मखसूस किस्म का तस्वर रखा तारीख का, कि तारीख हमेशा जो है वो इस सिमत में गुजरेगी कि जी पहले फ्यूडलिज्म आएगी, फिर कैपिटलिज्म, फिर जो सरमायादारी पूरी डेवलप होगी, और फिर सोशलिज्म। और ये बात अगेन हमारे जैसे समाजों के लिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के समाजों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ ये अक्सर तस्वर है वो पाकिस्तान में तो सोशलिज्म आ ही नहीं सकता, कम्युनिज्म आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो सरमायादारी नहीं आई। और मार्क्स ने तो ये कहा था कि भाई पहले सरमायादारी आएगी और फिर एक बहुत बड़ी प्रोलेटारिया बनेगी और उसके ये फिर सोशलिज्म आएगा। ये जो तस्वुर है ये पूरी तौर पर ठीक नहीं है, ये क्रूड हिस्टोरिसिज्म का तस्वुर है जिसको मार्क्स तोड़ता है। और मार्क्स बार बार ये कह रहा है कि हमें तारीख में चीजों को देखना है, लेकिन तारीख के मखसूस जो अगर समाजों को हम देखते हैं तो उनको हमें उसकी मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी उसका एक ठोस जो है ना उसका उसकी नजर उसकी उसकी नजरियाती सियासी और समाजी और पैदावारी साख को देखना है, ना कि हम उसको महज एक 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 आयरन क्लैड, एक एक यकसुईयत और एक एक लीनियर और यकसिमिति जो है वो तारीखी सीक्वेंस में उसको डाल दें। तो जिस तरह की मैंने कहा कि मार्क्स तारीखियत पर उसका है, उसका उसका जोर है, हिस्टोरिसिज्म भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिसिज्म क्रूड हिस्टोरिसिज्म नहीं है, एक हिस्टोरिकल तरीके से वो चीज़ों को देखता है, साख्तियाती तरीके से चीजों को देखता है, स्ट्रक्चरल तरीके से चीजों को देखता है। और स्ट्रक्चर तरीके से किस तरह देखता है कि मुख्तलिफ जो समाज के स्फीयर्स एंड लेवल्स हैं उनमें आपस में कलीदी रिश्ता भी है, लेकिन वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, ना हमवारी होती है, अनइवन डेवलपमेंट होती है, डिसलोकेशन होती है। और ये कि तारीख के जो यकसिमिति तस्वुर है, जो क्रूड हिस्टोरिसिज्म का तस्वुर है, उसको मार्क्स मुकम्मल तौर पर तोड़ता है। और ये एक मुगालता है मार्क्स और मार्क्सिज्म के हवाले से कि भाई तारीख का जो है ना वो इस ही तरह की लॉजिक है, एक 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 अंदरूनी इस तरह की मंतिक है कि जिसमें और कोई पाथवे और मुख्तलिफ रस्ते समाजी इर्तका के इंसान के समाज को बदलने के हो ही नहीं सकते। मेरे ख्याल में डिबेट में ही बहुत सी चीजें रहेंगी, लेकिन उस पर डिस्कशन बाद में हो सकती है, खासकर टोटलिटी पे और इस तरह की और डिस्कशन काफी रह गई है, लेकिन टाइम कमी की वजह से हम मजीद बात करेंगे आगे, जितने प्रोग्रामर हम इसकी डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे। एक सिर्फ बात मैं सिर्फ ऐड करूंगा, ये जो आपने बात की वही रशियन वाली एक लेटर है, वो फिर लिंक हम पोस्ट कर देंगे, जिसमें बेसिकली मार्क्स जो है इस क्रूड हिस्टोरिसिज्म की सारी जो है नेगेशन करता है, वो फिर हम लिंक में डाल देंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और ये बहस थोड़ी सी मेरे ख्याल में पेचीदा रही है, लेकिन जो जैसे मार्क्स ने कहा कि देयर इज नो रॉयल रोड टू साइंस, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में मेहनत करनी पड़ेगी, शायद अगर मुश्किल पड़ जाए, और हम मजीद वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर किसी के सवाल हो तो वो पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, अगले प्रोग्राम में फिर उसको डील करने की कोशिश करेंगे। और इससे अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो रोज अलेक्जम्बर पे होगा, और उसमें हमारे साथ जो है एक एकेडेमिक है डेविड मैकनाली, तो वो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, और हम मार्क्स से थोड़ा सा मूव करके मजीद जो जितनी भी मुफक्कर है मार्क्स ट्रेडिशन में उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोबारा मुलाकात होगी, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो कमेंट्स हैं आप कोई प्रश्न थे तो आप पोस्ट कर सकते हैं।